स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को घेरा। मास्क बांटकर मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार को जगाने की कोशिश है। नए मोटर व्हीकल कानून लागू हो जाने के बाद ट्रैफिक नियम मानने वालों में हुआ इजाफा। आपको बता दें कि साल 2019 में 31 अगस्त तक 67,85,000 हुआ था चालान। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में भूमि विवाद मामले की सुनवाई अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। इस मामले में आज 38वीं सुनवाई है। इसके तहत रामनगरी में धारा 144 लगा दी गई है। पीएम मोदी के भतीजे से हुई लूट पर सियासत गरमाती नजर आ रही है। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं उनकी बदौलत ही लुटेरे पकड़े गए हैं, लेकिन बीजेपी को इसकी कोई चिंता नहीं है। गेस्ट टीचर एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार से मांगे समान काम समान वेतन, साथ ही महीने में एक CL। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 22,000 शिक्षकों ने इसकी मांग की थी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए नवोदय टाइम्स।